अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज है कौन सा रोज़ा है आज? मेरा मोबाइल का कैमरा बहुत गंदा हो जाता है, बच्चे रहते हैं। आज 29/18 रोज़ा जुम्मा, और आज की सहरी थी 5:12 और अफ्तार है 6:54। और मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 2:55 से। मैं अफ्तारी के लिए चने मसाले बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो सोचा आप लोगों को भी ज्वाइन कर लूँ और व्लॉग बना लूँ। बर्तन मैंने रेडी करके रख लिए हैं मौसी के लिए। और गाइज, आप चना मसाला किस स्टाइल में बनाते हो बताइएगा, क्योंकि मेरा स्टाइल बहुत अलग है, मेरी मम्मी का स्टाइल बहुत अलग है, और मुझे चने मसाले पसंद है मेरी मम्मी के स्टाइल के। मेरे स्टाइल के बहुत अलग ही भी वो नहीं होते, लेकिन मेरे मम्मी के हाथ के तो वाओ माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद है। और बच्चे कच्चे गए हैं मेरे मम्मी के घर पर, घर के हाल कुछ इस तरह हैं। और अभी हमारी मावशी आएगी तो हमारे घर घर के हाल सोटे हो जाएंगे और ठीक हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी फ्रीजर के हाल इस तरह है, खाली पड़ी हुई है, और फ्रिज के हाल इस तरह है। ओके गाइस, तो हम मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, जब तक ये थोड़ा सोटे हो जाएगा। और मैं सोच रही हूँ कुछ वीडियोज़ बनाऊँ, एक दो वीडियो डालूँ, बिकॉज़ बहुत दिन से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी मैं इसमें डालूँगी ऑयल और थोड़े स्पाइसेस और ऑनियन वगैरह, फिर बाद में ये बनेगा और बहुत अच्छा बनेगा माशाल्लाह। आई होप आप लोगों के रोज़े अच्छे जा रहे होंगे, हमारे भी अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हमेशा अपनी दुआओं में फ़लस्तीन के लिए दुआ मांगे। हम तो अपनी ईद की तैयारियों में लगे हुए हैं, ईद की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन उन पर क्या बीत रही है और उनके सब्र का इम्तिहान उन पर क्या गुजर रही है, अल्लाह उन पर रहम करे और उन्हें सब्र अता करे। बस हम दुआ ही कर सकते हैं, तो जितना हो सके अपनी दुआओं में मज़लूमों को याद रखिए जिन पर जुल्म हो रहा है, और दुआ गो रही है सबके लिए, सारे जहां के लिए, सारे जहां के लोगों को, इंसानियत के लिए। और हिफ्ज़ो अमान में अल्लाह हर किसी को रखे। बस हम तो लगे हैं अपनी ईद की तैयारी में, हम सोच रहे हैं ये बाकी है वो बाकी है, लेकिन अल्लाह ताला जिस हाल में रखे उस हाल में शुक्र अदा कीजिए अल्लाह ताला का। और बस बेहतर से बेहतरीन के लिए दुआ करते रहिए, अल्लाह बेहतर देने वाला है, जानने वाला है, बख्शने वाला है, अता करने वाला है। तो हम बस दुआ ही कर सकते हैं और अल्लाह से मांग सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए और सारे जहां को भी याद रखिए। मैं हमेशा से यही बोलती हूँ और हम भी यही करते हैं, हम सबके लिए दुआ मांगते हैं सारी इंसानियत के लिए। इसमें मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन भी डालूँगी, और अभी डालूंगी मैं ऑयल। मैंने ऑयल का डब्बा चेंज किया है, वो अब डब्बा है उधर धुला हुआ, उसमें अभी ट्रांसफ़र करना है। पहले इसको इसमें डाल देते हैं ऑयल। ठीक है गाइस, अभी मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी और ये ऑनियन डालूंगी और 2-3 चिल्लीज डालूंगी। बस हो गया, इसको लगा दूँगी सीटी पर, बाकी कर लूँगी दूसरे काम, स्टिच करना है इसको। मैंने पूरा ही निकल जाएगा। I have so many shades, thread, 12 sheets. हमारी मावशी आ गई है एंड शी इज़ वर्किंग। कैमरा ब्लर हो रहा है। घड़ी ख़राब हो गई है मेरी, इसको बनाने देने जाना है। वैसे टाइम अभी वही हो रहा है जो इसमें दिख रहा है, बट ये बंद है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड, डूइंग योर बेस्ट। एंड मैं बस यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ गाइस, प्लीज़ फ्रेंड्स, और जितना हो सके फ़लस्तीन के लिए दुआ कीजिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। हमसे जितना हो सकता है हम यही कर सकते हैं, उनकी दुआओं से। दुआओं में इतना असर होता है कि जो बिगड़ती चीज़ होती है वो बन जाती है। और गाइज़, मैं
हम तो बिज़ी हैं अपनी ईद की शॉपिंग करने में, ईद की तैयारियां करने में, लेकिन उन लोगों से पूछिए, उन बच्चों से पूछिए जो जिन्हें खाना नहीं मिल रहा, जो भूखे हैं और जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिनके पास माँ बाप नहीं है, जिनके पास औलादें नहीं है, माँ बाप हैं और औलाद नहीं है, तो जिन पर गुज़र रही है उन्हें पता है। हम तो बस एहसास कर सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं, लेकिन गुज़र तो उन पर रही है। तो अल्लाह ताला बैतुल मुक़द्दस की हिफाज़त करे और मस्जिद अक्सा की हिफाज़त करे और हम सब सारे मुसलमानों की हिफाज़त करे। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपनी दुआओं में सारी जहाँ के लोगों को याद रखिए और सब लोगों की हिफाज़त की दुआ कीजिए और ख़ास उम खास फ़लस्तीन के लोगों के लिए दुआ कीजिए। गाइस, उनके ईमान का लेवल देखिए और हमारे ईमान का लेवल देखिए। वो हंसते हंसते और जब उनकी औलादें कुर्बान होती हैं, जब उनके माँ बाप उनसे जुदा होते हैं, कुर्बान होते हैं, तो वो बस ये कह के तसल्ली कर लेते हैं कि अल्लाह ताला हर चीज़ एक ना एक दिन तेरे पास आनी है, हर चीज़ फ़ानी है, और ये कह के सब्र कर लेते हैं। गाइज, हो सके उतनी उनके लिए दुआएं कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए और उनकी हिफाजत के लिए दुआ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हम सब की खैर और मगफिरत की दुआ कबूल अता फरमा और ये अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमा। बस गाइज, मैं यही बोलना चाहूँगी, आप लोग भी अपनी दुआ में सब लोगों को याद रखा कीजिए और सब लोगों के लिए दुआ मांगा कीजिए, बहुत सुकून मिलता है। क्योंकि हम दुनियावी चीज़ें तो एक दूसरे के कोऑपरेटिव से कर लेते हैं, मतलब पैसे देकर या फिर हेल्प कर कर, कुछ ना कुछ करके, लेकिन ये एक दुआ है जिसमें कोई खर्च नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, बस दुआ मांगनी होती है और दिल से मांगनी होती है, और अल्लाह ताला उनकी दुआ ज़्यादा सुनता है जो दूसरों के लिए पहले मांगते हैं। तो अल्लाह उनकी दुआ और देता है। नेकियाँ और गुनाह भी उसी तरह हैं, अगर हम गुनाह करते हैं तो उसका भी हमें 70 गुना मिलता है गाइस। सो बी अवेयर फॉर इट, गुनाहों से बचिए और नेकियों की तरफ बढ़िए और अपनी दुआओं में सबके लिए दुआ कीजिए और दुआ गो रहिए और मगफिरत की, ज़्यादा से ज़्यादा मगफिरत की दुआ मांगिए। अब ये तीसरा अशरा लगने वाला है 2 दिन के बाद, आज 28 अपनी नेकियों को दिल से कीजिए। कोई क्या बोलता है, कुछ भी बोलता है, उस पे ध्यान मत दीजिए, अपना अपने लिए अच्छे बनिए। जब आप अपने लिए अच्छे बनोगे तो ऑब्वियसली आप दूसरों के साथ अच्छा ही करोगे। तो बोलना है गाइस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गाइस, मेरा पारा चढ़ रहा है, मैं अभी कौन से पारे पे हूँ, मेरा 25वां आज स्टार्ट हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, पहला रुकू भी हो गया है, अब मैं फजर में पढ़ूँगी, कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह, थोड़ा सोऊँगी। फ्रूट्स रखे हैं, सोचे खा लूँ।